भारतीय न्याय संहिता बिल जिसने इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया इसके तहत अगर कोई ड्राइवर है जिसने रोड एक्सीडेंट किया ओइंग टू नेग्लिजेंट ड्राइविंग और वो उस सीन से भाग गया बिना अथॉरिटीज़ को बताए ऐसे ड्राइवर्स को अब दस साल तक की सज़ा या सात लाख तक का जुर्माना लगेगा इसी के अगेंस्ट में ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट किया महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट्स के कई जगह पे अब हम जानेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में डेटिंग एक मेथड है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का एज पता किया जा सकता है उसी तरह रेडियो कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिससे यही काम रेडियो कार्बन की मदद से किया जाता है रेडियो कार्बन नाम है आइसोटोप कार्बन फोर्टीन का कार्बन फोर्टीन अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है जब कॉस्मिक रेस यानी कि एनर्जेटिक स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो कि आउटर स्पेस सोर्सेस से आते हैं स्लैम होते हैं इनटू एटम ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं जब ये न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट करते हैं विद नाइट्रोजन फोर्टीन जो कि नाइट्रोजन आइसोटोप है वो कार्बन फोर्टीन प्रोड्यूस कर सकते हैं कॉस्मिक रेस सीजलेसली पास होते हैं थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इसलिए कार्बन फोर्टीन कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहते हैं कार्बन फोर्टीन रेडिली कंबाइन होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपोनेंट फिर प्लांट्स की बॉडी में एंटर होते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स में होते हैं जब वो इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और अदर बायोमास में एंटर होते हैं थ्रू कार्बन साइकिल जब एक ऑर्गेनिक एंटिटी जैसे कि ह्यूमन बॉडी अलाइव रहते हैं तब वो कॉन्स्टेंटली कार्बन एक्सचेंज करते हैं विथ इट्स सराउंडिंग्स बाय ब्रीदिंग कंज्यूमिंग फूड डिफिकेटिंग शेडिंग स्किन एक्सेट्रा इन एक्टिविटीज़ के जरिए कार्बन 14 दोनों ही लॉस्ट होते हैं फ्रॉम द बॉडी और रिप्लेनिश भी होते हैं इन बॉडी इससे कार्बन 14 का कंसेंट्रेशन इन द बॉडी नियरली कॉन्स्टेंट और इक्विलिब्रियम में रहता है विथ इट्स सराउंडिंग्स जब ये इंडिविजुअल गुजर जाते हैं तब बॉडी ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते और इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन फोटीन इन द बॉडी ड्विंडल होने लगता है थ्रू रेडियो एक्टिव डी जैसे जैसे और समय बीतता है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ कार्बन फोटीन लॉस्ट होने लगता है और बहुत ही कम क्वांटिटी में रह जाते हैं इस डी रेट को थेरी के जरिए प्रेडिक्ट किया जा सकता है रेडियो कार्बन डेटिंग ऑब्जेक्ट्स का डेट बताता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन फोर्टीन लेफ्ट जो कि साइंटिस्ट या कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग अगो द बॉडी एक्सपायर्ड अब हम जानेंगे हती कम्युनिटी के बारे में हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हिमाचल प्रदेश के हती कम्युनिटी को स्केड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूड करने की मंजूरी देने के कई महीनों बाद अब हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने नेसेसरी डायरेक्शंस ईशू किए हैं टू ऑल डिपार्टमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्लासिफिकेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन इतना टाइम से रुका हुआ था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कंफ्यूजन था कि कौन से हती कम्युनिटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमर डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि हती टर्म और भी लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो ऑलरेडी क्लासिफाइड है एज स्केड्यूल कास्ट तो कंफ्यूजन ये था कि क्या ये स्केड्यूल कास्ट वाली कम्युनिटीज़ भी इंक्लूडेड है इन स्केड्यूल ट्राइब्स लिस्ट एज हतीस ये कंफ्यूजन यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने क्लियर किया ये बताते हुए कि जो कम्युनिटीज़ ऑलरेडी क्लासिफाइड है एज स्केड्यूल कास्ट उन्हें इस नए क्लासिफिकेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा जनरल अवेयरनेस के साथ साथ वोकेबलरी भी ज़रूरी है तो अब हम जानेंगे कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में सबसे पहला वर्ड है लम्पून इसका मतलब है एक पीस ऑफ राइटिंग जिसे फियर्सली लिखा गया है फॉर अटैकिंग अ पर्सन गवर्नमेंट एक्सेट्रा बाय मेकिंग देम लुक फुलिश दूसरा वर्ड है एस्टोरिक इसका मतलब है अनयूज़ुअल सीक्रेट और मिस्टीरियस और नोन बाय ओनली अ फ्यू पीपल एस्पेशली इनमेट्स तीसरा वर्ड है हियास इसका मतलब है गैप इन अ सीरीज और सीक्वेंस या मेकिंग इट इनकम्प्लीट या ब्रेक इन कंटिन्यूटी चौथा फ्रेज है हिज बाक इज वर्स देन हिज बाइट इस फ्रेज को उस इंसान को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दिखने में टफ़ एंग्री या फियर्स नजर आते हैं लेकिन हार्मलेस होते हैं आज का आखिरी वर्ड है रिप्रीमांड इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना ऑफ समथिंग और समवन। अब हम जानेंगे सारिस के बारे में सारस का फुल फॉर्म है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिस सोसाइटी ये अपने देश के सेवरल प्लेसेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है टू प्रमोट रूरल आर्टिस रिसेंटली <स्थाथ> दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति यानी कि प्रोग्रेसिव त्रिपुरा थ्रू वुमेन एंटरप्रेनर्स नाम का यूनिक थीम था सारस मेला 2023 का जो कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहा ने लॉन्च किया था इसका एम है टू शो इकोनॉमिकली एम्पावर स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स लगभग 300 सौ स्टॉल सेटअप किए गए थे 15 दिन के लिए रूरल आर्टिस क्राफ्ट वुमेन और होम के रिमोट पार्ट part से पार्टिसिपेट करते हैं टू सेल इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स लाइक हैंडी हैंडलूम आइटम्स डेलीकेसी एक्सेट्रा आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होगी जाते जाते आपके लिए एक सवाल है विथ विच स्टेट प्रजा पालना गारंटी दरा कस्तू इज रिलेटेड टू इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में